जरियाल फाइनेंस कंपनी द्वारा करोड़ों के फ्रॉड मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत याचिका रद्द होने के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तार किया। हमीरपुर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सोमवार रात को हमीरपुर लेकर आई। मंगलवार के दिन आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। फाइनेंस कंपनी के नाम पर लगभग 9 करोड़ के फ्रॉड का मामला पुलिस में दर्ज है। आरोपी को गिरफ्तार करने के उपरांत मंगलवार के दिन पीड़ित भी गुहार लगाने के लिए पुलिस थाना हमीरपुर पहुंचे। लोगों ने पुलिस विभाग से मांग की है कि इनके करोड़ों रुपए की रिकवरी करवाई जाए। पुलिस अब मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है। पुलिस थाना हमीरपुर के प्रभारी संजीव गौतम ने बताया कि आरोपी की जमानत याचिका बीते सोमवार को ही रद्द हो गई। जमानत याचिका रद्द होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है तथा इसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। आरोपी से पूछताछ कर पीड़ितों को न्याय दिलवाया जा सके। तो मेरे को पता नहीं इसने कब बढ़ा दिया, ना मेरे को पूछना था। अच्छा, अब मेरे बेटा मकान लेने लगा तो मैंने इनको फ़ोन करा दिल्ली से कि मेरे पैसे मेरे अकाउंट में डाल दो। इसने बोला क्या ज़रूरत है, मैंने कहा मेरे को चाहिए। इसने मतलब जब मैंने 5-6 बार फ़ोन करा तो एक लाख रुपया डाला। 5-6 दिन के बाद फिर 1 लाख और डाला तो मैंने कहा सारे डाल दो। बोले नहीं इतने की क्या ज़रूरत है, नहीं मैंने कहा मेरे को चाहिए। बोले आप यहाँ आओगे तो आपको मिल जाएगा। जब मैं यहाँ आई तो इसने मेरे को एक पैसा भी नहीं दिया। मेरे कम से कम 5 लाख तो ये कॉपी में है और 6-7 लाख की FD हैं, जिसमें से मेरे बेटा प्राइवेट नौकरी करता है, पोती के नाम करवा रखे थे भाई उसकी शादी के काम आएंगे, वो पूरे हो गए वो नहीं दिए। बेटी का करवा रखा है वो नहीं दिए। कोई पैसा इसने नहीं दिया। इसमें सिर्फ वो मतलब यही कहा कि कोई बात नहीं, घर की बात है, जब कहोगे जब। मैंने कहा तुम इतना टाइम मत बढ़ाओ, मेरे को कभी ज़रूरत पड़ कोई नहीं, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं दे दूँगी, जब मैं मांगी। तो फिर इसने मना कर दिया। अब मैंने ये भी फ़ोन करा, मेरे को पता लग रहा है कि आपने ऐसे ऐसे सुन रही हूँ, नहीं नहीं सब झूठा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ में ऐसा मत करना, 1 लाख रुपया तो मैंने माता के जगराते का करवाया, तो ये कोरोना काल पड़ गया तो नहीं। बोला कोई बात नहीं, फिर अगली बार करवाओगे जब ले लेंगे। अब मैंने इस मई में करवाया तो मैंने कहा मेरा पैसा है, इसने एक रुपया भी नहीं दिया। मैंने कहा माता रानी तू इसका इंसाफ करेगी। मैंने जो है कम से कम 15 करोड़ का घपला किया हुआ है, लेकिन एज पर रिकॉर्ड 9 लाख का बता रहे हैं। 9 करोड़। लेकिन आपको देखा कि 15 करोड़। हाँ जी, हाँ, अभी सब आपके सामने इतने आदमी हैं, इनसे अगर आप पूछोगे तो किसी का 90 लाख है, किसी का 60 लाख है, किसी का 70 लाख है, 35 लाख है, 40 लाख है, किसी का 8 लाख है, किसी का 10 लाख है, तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है कि हमें बेला फुसला कर इस जरियाल मोटर फाइनेंस कंपनी जिनका ऑफिस दुसड़का में था, उन्होंने हमें मिसगाइड करके मतलब हमें जानसा देकर FD वगैरह बनाकर हमसे पैसे छीने, ठगने, और अब उन पैसों के जब मैच्योरिटी हो गई तो अब देने से इनकार कर रहा है। और हमें जो है वो कोर्टों के और इधर उधर ऑफिस के चक्कर कटवा रहा है, और खुद जो था वो बेल लेकर भाग गया था इधर से, अंडरग्राउंड रहा कुछ दिन। उसने फिर एंटीसिपेटरी, जब इधर उसकी बेल कैंसिल कर दी जज साहब ने, उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल लेकर वो शिमला से आयश करता रहा और हमें गुमराह करता रहा। हमारे साथ कभी भी उसने ये नहीं कहा कि मैं आपके पैसे नहीं दूंगा। हर टाइम पे वो कहता रहा कि मैं आपके पैसे आपके घर में पहुंचाऊंगा। बिल्कुल हमें मतलब ठगता रहा और अभी हमें पैसे देने से इनकार कर रहा है। अभी पुलिस स्टेशन में वो हैं, हम शिमला में गए थे 20-25 आदमी 30, और उधर भी जज साहब के पास हमारी गुफ्तगु हुई, उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना और सुनने के बाद इसकी बेल को कैंसिल किया। और कल यानी 5 तारीख को इसको अरेस्ट मतलब वहाँ से बेल रिजेक्ट हो गई, और पुलिस वाले यहाँ से हमारे स्टेशन से इधर से गए थे, वो उसको साथ में लाए हैं, अभी पुलिस स्टेशन में है। एक्स सुबेदार विधि चंद सोनी, हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए हमीरपुर से मोहन चौहान की रिपोर्ट।